उदयपुर में पुलिस टीम पर हमला किया गया, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर से हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। हिस्ट्री शीटर पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम यहां पहुंची थी, लेकिन हमलावरों ने पुलिस पर हमला किया और हिस्ट्री शीटर जिसे पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी वो पुलिस की ही गाड़ी लेकर फरार हो गया। धीरज रावल मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, अपडेट क्या इस पूरी खबर पर, मामला क्या पूरा है? उदयपुर जिले के पाड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर हिस्ट्री शीटर मंताराम और उसके भाई को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई थी और गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की टीम पर हिस्ट्री शीटर और उसके भाई दोनों ने हमला करते हुए गाड़ी छीन ली और गाड़ी छीनते हुए उसके साथ मारपीट की। मारपीट करके शीटर गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया। पीछा करने के दरमियान वह पुलिस की गाड़ी छोड़कर एकांत स्थान पर छोड़कर फरार हो गए, जहां पर पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया है। वहीं उदयपुर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित करके लगातार जो है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और गिरफ्तार करने के लिए कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन ये पूरा मामला पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाता है। धीरज, पुलिस की ही गाड़ी लेकर फरार हो गया अपराधी जिसे गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी। जी बिल्कुल, लगातार अगर देखा जाए तो पिछले दिनों के अंदर उदयपुर जिले के कोटड़ा इलाके में अंदर भी रणिया गैंग द्वारा पुलिस के ऊपर हमला किया गया था। उसके अंदर 6 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए थे। लगातार पुलिस उसको भी पकड़ने के प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं की है। कल ही उदयपुर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने रणिया और उसके पुत्र दोनों पुत्रों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से उदयपुर के अंदर पुलिस पर लगातार जो हमला है वो आरोपियों द्वारा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी एक सवाल का निशान जरूर खड़ा होता नजर आ रहा है। आखिरी सवाल धीरज, अब जांच अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं, दावा कर रहे होंगे इस अपराधी की जल्द गिरफ्तारी का? जी, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि बीती रात की घटना है, जहां अंधेरे का फायदा उठाकर जो आरोपी है वो वहां से फरार हो गए थे और पुलिस पर जो हमला किया गया उनकी धरपकड़ जो है वो उदयपुर पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। अलग अलग टीमें जो है वो गठित की गई है और टीमें गठित करके आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करने की बात की जा रही है। चलिए, अंधेरे का फायदा उठाकर हिस्ट्री शीटर फरार हो गया, पुलिस की इसमें लापरवाही नहीं है, अंधेरे की गलती, अंधेरे का फायदा उठाया और हिस्ट्री शीटर फरार, अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। शुक्रिया धीरज तमाम जानकारी के लिए।